When you defy a mandate, how can there be peace in this country? आप समझते हैं टैलेंट ऐसे ही आ जाता है? इतने अच्छे लोगों को सारी उम्र में लगा रहा तुम सियासत में आओ, और अब क्या तमाशा देखता हूं कि अच्छे लोगों को मार मार कर लड़ाई कर करके अच्छे लोगों को, आप में से कौन सियासत में आएगा? ये जो एक्सपर्ट्स हैं डरते रहेंगे। When you push your talent away, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो पॉलिटिकल इंक्लूजन के बाद, मैंने आपसे कहा कि डिसीजन मेकिंग इज पुअर, सो इफ यू हैव पुअर डिसीजन मेकिंग द कंट्री विल गो द सेम डायरेक्शन। दिस इज इंटरेक्ट, कंट्री के अंदर रिसोर्सेज नहीं बनाते मुल्क को। मेरे भाई डिप्लोमेट फ्रॉम ओमान, गुड डिसीजन मेकिंग, सिंगापुर, दुबई, नथिंग इन द ग्राउंड प्रोग्रेस किया, नथिंग इन द ग्राउंड, जमीन से उनको कुछ नहीं मिला, न तेल मिला, न मादनियात मिली, पानी की किल्लत मिली सिंगापुर को, बट गुड डिसीजन मेकिंग, सिंपल लोगों ने सही फैसले किए, कोई आइंस्टाइन की जरूरत नहीं है आपको। अब ये जो लाखों करोड़ों नौजवानों ने वोट दिया है, इफ यू, इनका कॉन्फिडेंस जमहूरियत के अंदर, मुझे खुशी होती है सुनकर देखकर। अब इनका कॉन्फिडेंस अगर जमहूरियत में शेक होगा तो मुझे तो डर लगता है कि किसी और तरफ ना निकल जाए। ये पाकिस्तान के अंदर हम सियासत में लड़े चले जा रहे हैं, एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं, विदाउट रियलाइजिंग कि कितना बड़ा क्राइसिस है पाकिस्तान में। मतलब होश में आना चाहिए ना, घर को आग लगाते जाओ ये एहसास ना हो कि कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम बड़े बड़े आइडियाज इस चीज के ला रहे हैं कि कहीं आपको कुछ पता ना चल जाए। ट्विटर बंद कर देंगे हम, क्योंकि हमारे पास कोई सलूशन इंटेलेक्चुअल नहीं है मुकाबला करने का। हम पुलिस वाला भेज देंगे उसके घर में जो ट्विटर के अंदर कोई गलत बात कर जाए, बिकॉज यू डोंट हैव एन इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी टू हैंडल दिस। द ब्यूरोक्रेसी कीप्स थिंग्स स्लो, आई नो दैट। जिस चीज को मूव किया जाए वो मूव कम कर, कई कई साल लग जाते हैं पॉलिसी बनने में और मामला चलने में। मुल्क क्राइसिस में क्यों जाता है? बिकॉज यू डोंट मेक अ डिसीजन विच इज नेसेसरी। हमने कहा कि यार ये तो बड़ा आसान सिस्टम है, टेक्नोलॉजी आ गई है, तो ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए हमने कहा कि इसके थ्रू वोट होगा, सिक्योर कर लेंगे सब कुछ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कर दो, लोग घबराते हैं। क्या हुआ? बैलेट पेपर वहीं प्रिंट होगा, जब आप बटन दबाएंगे कि मैंने बल्ले को वोट दिया या तीर को दिया या किसी और को दिया, वोट प्रिंट होगा, आप देख लें, इसको लपेट कर बैलेट बॉक्स में डाल दें। मगर जो कैलकुलेटर है, सिंपल कैलकुलेटर ऑफ द 50s एंड 60s, यार कोई बड़ी नई टेक्नोलॉजी भी नहीं है, वो काउंट रख लेगा। अच्छा ये काउंट है और वो काउंट है, उसको मैच कर लेना, अगर डिस्क्रेपेंसी है इवन आउट कर लो, कोई कानून पास कर लो कि डिस्क्रेपेंसी कैसे हैंडल होगी। वाईफाई से भी कनेक्ट नहीं करना, इट इज देयर एंड हियर इन द काउंट। नहीं, वेस्टेड इंटरेस्ट डिडंट वांट दैट टू हैपन, टू सी वेयर योर कंट्री इज टुडे। जब आप फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं तो पॉलिटिकल इंक्लूजन के बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे होगा? प्रायोरिटीज को पकड़ो। मैंने आपसे कहा 2,62,00,000 बच्चे बाहर हैं स्कूलों के, ये प्रायोरिटी मेरी नहीं है, किसकी होगी? लोग मर रहे हैं, मैल न्यूट्रिशन, स्टंटिंग, हेल्थ सेक्टर आपका खराब है, कहां से आएगा सब कुछ? पैसे ही नहीं है आपके पास, विल नहीं है, आइडियाज नहीं है, आइडियाज नहीं पकड़ रहे। सो वेयर इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज लैक ऑफ गुड लीडरशिप, नथिंग एल्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू हैव एवरीथिंग। इन मुल्कों का जिनको मैंने जिक्र किया था, उनके जमीन में कुछ नहीं है, आपके यहाँ तो जमीन में भी है, मगर इंसानों की तादाद, 5th biggest कंट्री इन द वर्ल्ड एज फार एज ह्यूमन इंटेलेक्ट एंड पीपल आर कंसर्न, एंड यू रैंक सो पुअर। 5-10 साल चाहिए सर कि अपने रिसोर्सेज को, इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज को पॉलिश कर ले, और उसके बाद तरक्की आपके पैर छुएगी। मुझे ये उम्मीद है कि सबसे अच्छा खूबसूरत आइलैंड का इम्कान है पाकिस्तान से निकलने का। दिस इज़ अ वाइब्रेंट कंट्री, अ वाइब्रेंट कॉम, मगर वाइब्रेंट कॉम को अगर उसके मैंडेट को भी इग्नोर किया जाए तो उसकी वाइब्रेंसी ख़त्म होने का इम्कान है। और मैं समझता हूँ इतना बेहतरीन मौका है पाकिस्तान के लिए टर्न अराउंड का, कि आई बिलीव के अल्लाह मियाँ रास्ते देता है, मगर मुसलसल रास्ते देता नहीं रहेगा शायद। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपके लिए रास्ते फराहम करता रहे और आप उन रास्तों को पहचान लें। ये गुमराही से निकल कर, ये रास्ते गुम कर देते हैं ना, उसी को गुमराही कहते हैं। गुमराही से निकल कर सिरातुल मुस्तकीम को पकड़ लें तो इंशाल्लाह नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग अ ग्रेट कंट्री, विच इज़ माई ड्रीम एंड योर ड्रीम।